So Virat Kohli aaye aur ek bilkul naye tarah ki Audi SUV laaye. This is Audi Q8. I'm Pranthi Sambhav. Welcome to Times Drive. Today we are going to talk about this new luxury SUV coupe from Audi jo Hindustan mein launch ho gayi hai. Iske price ke bare mein to batayenge lekin kya kuch naya hai uske bare mein bhi hum batayenge. सबसे पहले तो इसके फ्रंट ग्रिल के ऊपर ये आप नजर डालिए, एक नए तरह का फ्रंट ग्रिल, थोड़ा सा अलग आपको जरूर लिखेगा जो बाकी Audi के क्यू सीरीज में जिस शेप का है या जिस साइज का है उससे ज्यादा बोल्ड पड़ा आपको देखने को मिलेगा ये ऑक्टागोनल जो फ्रंट ग्रिल है. इसके अलावा जो एयर इनटेक है वो काफी बड़ा किया गया है और वो फील, हाँ, एक टिपिकल एसयूवी टाइप की फील, और ज्यादा माचो और ज्यादा बोल्ड नजर आ रही है. लुक के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोजिंग और साथ में एक फ्रेशनेस लिए हुए भी, जिस तरीके की ब्लैक और यहाँ ग्रे का कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है. और स्पेशली मैं जिस हाइट से इसे देख रहा हूँ, शायद इस वजह से भी मैं एक अलग नज़रिए से देख रहा हूँ. लेकिन यहाँ से एक और चीज़ दिख रही है और वो है इसके व्हील आर्चेस, जो आप इसका शोल्डर देखें वो भी काफ़ी उभरा हुआ है. लेकिन इसके बारे में और बात करेंगे ऊपर चढ़कर. लेट्स गो. एंड बिफोर वी एंटर दिस कार, कुछ एक नंबर्स के बारे में आपको हम बता दें. इसमें लगा है 3 लीटर TFSI इंजन जिसकी ताकत 340 हॉर्स पावर की और जो टॉर्क है दैट इज अराउंड 500 न्यूटन मीटर. और Audi की जो ये फ्लैगशिप SUV है 100 की स्पीड पकड़ने में कितना वक्त देती है, 5.9 सेकेंड्स. और आप एंटर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ के ऊपर नज़र हम जरूर डालना चाहेंगे. इफ़ यू लुक एट दीज क्रीज़, जो ये लाइन्स हैं कोई शटल नहीं है, काफ़ी शार्प, काफ़ी तीखे से हैं. और प्लस आप देख सकते हैं फ्रेमलेस डोर्स, जो एक कूपे की खास पहचान होती है. और यहाँ पर मैं इस ड्राइवर सीट पे बैठ गया हूँ, माहौल काफ़ी कॉकपिट टाइप का मुझे देखने को मिल रहा है. क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी एक रिसर्च हम कल ही देख रहे थे कि जनरेशन जी और जेड जनरेशन वो 5 स्क्रीन्स के बीच में शफल करते रहते हैं एक दिन में, एक रिसर्च के हिसाब से. और यहाँ पर आपको बोरियत नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो 3 स्क्रीन वैसे ही देखने को मिल रहा है, बिल्कुल कॉकपिट जैसा माहौल मुझे नज़र आ रहा है इस Q8 में. सबसे पहली स्क्रीन आप यहाँ पर देखिए, पीछे नेविगेशन है, स्पीडो आप देख सकते हैं, इसके अलावा आपके पास टैकोमीटर है और बाकी इन्फॉर्मेशन जो कार के बारे में आपको मिल रहे हैं. फ्यूल गेज राइट साइड में, इंजन टेम्परेचर लेफ्ट साइड में, और नीचे भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं जिसमें सीट बेल्ट को लेकर है, लाइट्स को लेकर है और टेम्परेचर को लेकर है. फिर एक स्क्रीन यहाँ पर है, यहाँ पर आप रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन, फ़ोन ऐप्स, कार सेटिंग्स, सेल्फ वगैरह देख सकते हैं. फिर एक नीचे भी एक और स्क्रीन है जो आपके सीट्स के सारे कॉन्फ़िगरेशन, सारे सेटिंग्स को चेंज करता है, प्लस क्लाइमेट कंट्रोल को कंट्रोल करता है, वो सारे कंट्रोल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं. और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरा लेआउट लग रहा है, काफ़ी हाईटेक ज़रूर लग रहा है. स्पेशली ये कंट्रोल्स अगर मैं देखूँ, वो मुझे आदत लगने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ड्राइव के वक्त आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं इन बटन्स का, इन कंट्रोल्स का, और यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा या नज़र आपको उसके ऊपर डालनी पड़ेगी. बट अदरवाइज मामला जो है वो काफ़ी एंगुलर है, काफ़ी स्क्वायरिश या रेक्टेंगुलर. यहाँ पर हम इस डैश को देखें तो यहाँ पर ये स्क्रीन के साथ पूरा अच्छे से इंटीग्रेट करता हुआ पूरा पियानो ब्लैक का फिनिश नज़र आ रहा है. प्लस यहाँ पर सराउंड लाइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. हाल फिलहाल में हम देखें तो सभी लग्जरी कार्स में इस तरह के फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं और इसमें भी आपको वही नज़र आएगा. ओवरऑल फिनिश की अगर बात करें तो काफ़ी सॉलिड, काफ़ी प्रीमियम सा आपको महसूस होगा. लेआउट भी जैसा हमने कहा कि बहुत ही टिपिकल Audi टाइप की डिज़ाइन है, लेकिन एक प्रीमियम, एक लग्जरी वाली फील आपको ज़रूर मिलेगी. अब थोड़े से प्रैक्टिकल मुद्दे के ऊपर बात करें, यहाँ पर जगह की बात करें और सीट्स की बात करें तो मोस्टली तो सब कुछ पावर्ड फीचर्स हैं ही इसमें. स्पेस के हिसाब से भी, ओवरऑल फील के हिसाब से मुझे काफ़ी ये खुला खुला सा एहसास दिलाती है. और यहाँ पर इफ़ यू लुक एट दीज यूनिट्स, बैंग एंड लफ्सन के आपको इसमें ऑडियो सिस्टम दिए जा रहे हैं, तो और लग्जरी की फील होनी भी चाहिए क्योंकि इसकी कीमत भी तो ऐसी है. वैसे कीमत के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, कीमत की बात आगे, पहले एक और प्रैक्टिकल बात और वो है स्पेस की, सेकेंड रो सीट की. और वहाँ पर माहौल जो है वो काफ़ी आपको ब्रॉड, काफ़ी खुला खुला सा महसूस होगा. मोमेंट वी हियर दैट देयर सम कूपे विच इज़ कमिंग टू इंडियन मार्केट, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा टेंशन होता है कि कहीं स्लोपिंग रूफ लाइन मेरे सर में अटक ना जाए, बिकॉज विथ माई काइंड ऑफ हाइट विच इज़ मोर देन 6 फीट, वहाँ पर कई जो स्लोपिंग रूफ होते हैं वो परेशान करते हैं. लेकिन इसमें नहीं, नॉट Q8, बिकॉज यहाँ पर भी ये काफ़ी स्पेशियस लग रहा है और
जो रूफ है वो यहाँ पर थोड़ा सा स्कूप आउट किया गया है पीछे, सो दैट यू हैव एक्स्ट्रा स्पेस। और मेरे हिसाब से भी, मेरे हाइट के लिए भी यहाँ पर आपको जगह अच्छी देखने को मिल रही है। नी रूम मुझे अच्छा लग रहा है, फीट मूवमेंट के लिए जगह काफ़ी स्पेशियस ये जगह ज़रूर लग रही है। अगर मैं कुशनिंग की बात करूँ वो बहुत ज़्यादा फ्लश या बहुत ज़्यादा स्नगली सी नहीं लगेगी, बट हाँ फॉर्म है, कम्फर्टेबल ये ज़रूर लग रही है। दो लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह जगह इसमें आपको नजर आएगी। यहाँ जो सेंट्रल टनल है वो काफ़ी बड़ा सा उभरा हुआ है और इस वजह से 30 से पैसेंजर के लिए मामला उतना आरामदेह नहीं होगा, बट देन द काइंड ऑफ सेगमेंट दिस कार इज कमिंग इन, वहाँ पर 30 से पैसेंजर के लिए आप थोड़ा ना इस सीट को यूज़ करें। हाँ यूज़ तो कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके वो जाएंगे, लेकिन दो लोगों के लिए काफ़ी शाही और आरामदेह स्पेशियस सी जगह मुझे ये नज़र आ रही है। यहाँ फीचर की बात करें तो जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो बेसिकली चार अलग अलग जोन में है, यानी आप आगे तो दो अलग अलग टेम्परेचर रख ही सकते हैं, पिछली सीट पर भी अगर आपको चाहिए तो दोनों आप वेंट से अलग अलग टेम्परेचर की हवा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अब सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें लगा है ऑडी प्री सेंस बेसिक और साथ में 8 एयरबैग्स तो हैं ही। इसके अलावा ऑडी पार्क असिस्ट भी इसमें दिया गया है और ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम भी आपको इसमें नज़र आएगा। और बात कूपे टाइप की फील की हो तो यहाँ पर इस शेप को आप देखिए, जिस तरीके से स्लोपिंग रूफ है, पिछला हिस्सा बाहर उभरा हुआ है, आप दूर से ही समझ जाएंगे कि या दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडी एंड दिस इज़ द Q8। तो ये सारी बातें तो हो गई इसके बारे में। आप सोच रहे होंगे कि कीमत के बारे में बताएं, आई एम श्योर आपको बाकी जगहों से पता चल गई होगी बात, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो इस फिगर का, तो वो फिगर है 1.33 crores। जी हाँ, सभी फीचर से लैस ऑडी Q8 आ रही है 1.33 crores में। ये इनके फ्लैगशिप SUV कैसी लगी अंदर बाहर से आपने देखा, इसके फीचर्स के बारे में आपने जाना, आप तो क्या सोच रहे हैं इस कार के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल बटन होगा वो तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।